पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं करणवीर, संविधान की इस विकास यात्रा में आज हम स्मृति पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम इसे पॉलिटी की मर्यादा में पढ़ेंगे। पहले तो हम बुक के कॉन्टेक्स्ट में ही इसका लेक्चर कवर करेंगे, जो भी बारीकियां और ध्यान देने योग्य बातें हैं हम आपको समझाएंगे, और उसके बाद क्या है पंचायतों का मौजूदा हाल, लोकतंत्र में इसका योगदान और भी बेहतर कैसे हो सकता है, किस तरह से ये समाज कल्याण के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं ये संस्थाएं, इन सब पर तो हमारा लेक्चर आएगा ही। आज हम इसकी तकनीकों को, इसके ढांचे को, इसके ऑर्गेनाइजेशन को, स्ट्रक्चर को, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, इसकी बढ़तर को समझ लेते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप पंचायती राज की बात करें तो एक तरह से इसे हम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कह करके पुकारते हैं। रूरल का मतलब है ग्रामीण, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि क्षेत्रीय स्तर पर स्वराज्य, स्वराज्य, स्वराज, एक तरह से सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वयं शासन करना। आई बात समझ में? स्वयं शासन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ऐसा नहीं है किसी राजघराने का कोई शासन है, जनता का शासन है। लोकतंत्र को और भी प्रबल और मजबूत बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम को और भी ज़्यादा डिलीवरी ओरिएंटेड बनाने के लिए ग्रास रूट लेवल अप्रोच अपनाई जाए, और बिल्कुल निचले स्तर तक जा करके जो यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसे बिल्कुल निचले स्तर तक ले जाए। पहले तो कंट्री है, नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट है, एट द सेंट्रल लेवल, देन द स्टेट्स, देन द डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अर्बन एंड रूरल अप्रोच को अलग करके रूरल एरिया में विलेज को टारगेट करें, ताकि एक एक पर्सन तक लोकतंत्र के सभी अवसर, सभी लाभ, सभी संभावनाएं पहुंच सके। इसलिए इसे हम ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी के कंसेप्ट से भी जानते हैं। एक तरह से ये स्वयं शासन है जिसमें अफसरशाही को कम किया जाए, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द पॉलिसी मेकिंग, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस रिड्यूस किया जाए, एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दिया जाए। सो ब्यूरोक्रेटाइजेशन को ख़त्म करके, कम करके डेमोक्रेटाइजेशन की ओर बढ़ना ही एक तरह से बड़े स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना है। और उसे अगर हम ग्रामीण स्वराज्य को मुख्यधारा में रखते हुए एक क्रांति की तरह आगे बढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से स्थापित होगा। इसी के प्रयास किए गए। ओके, अब आता है एक सवाल कि भाई इसके विषय में चर्चा कहाँ पर पाई जाती है, क्या संविधान में इसके बारे में कुछ है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 40 है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में वो आता है। आप सब जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जस्टिशिएबल नहीं है, एनफोर्सिएबल नहीं है, यानी कि उनके अंदर गिवन आर्टिकल्स के जो प्रावधान हैं उन्हें लागू कराने के लिए आप कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकते हैं जब तक कि उन आर्टिकल्स में दिए प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून ना पास कर दिया जाए। यदि कानून बना दिया जाएगा तो उन आर्टिकल्स में दिए हुए प्रावधान, उन आर्टिकल्स में गिवन प्रोविजंस वैधानिक दर्जा प्राप्त कर जाएंगे, एक स्टैट्यूटरी स्टेटस हासिल कर जाएंगे, और फिर तो आप उन्हें अप्लाई करा ही सकते हैं, उनकी पालना करवाएंगे। लेकिन जब तक वो किसी तरह का स्टैट्यूटरी स्टेटस किसी एक्ट के वाया नहीं हासिल कर जाते, तब तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में गिवन प्रोविजंस नॉन जस्टिशेबल हैं, नॉन इन्फोर्सेबल हैं। आप सरकारों को बाध्य नहीं कर सकते कोर्ट में जा कर के, सरकार को निर्देश नहीं दिलवा सकते कि सरकार इस प्रावधान को लागू करे। यही अंतर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और कोर्ट सरकार को निर्देश दे सकती है कि इस फंडामेंटल राइट के तहत दिए हुए प्रावधानों की
पालना की जाए, इन्हें सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में आर्टिकल 40 है, वो बात पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की करता है। वो कहता है कि द स्टेट शेल, स्टेट यहाँ पर वो भारतीय राज्य को कह रहा है, वो कहता है द स्टेट शेल टेक स्टेप्स, द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये कहता है कि राज्य के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो पंचायतों की स्थापना करें और उन्हें इतनी की शक्तियाँ दें कि वो एक ऐसे यूनिट की तरह काम करें जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हो। आर्टिकल 40 ये जिम्मेदारी देश पर, राज्य पर डाल रहा है कि आप ऐसा करेंगे, भविष्य में करेंगे कानून ला करके, और ये कानून के माध्यम से किया भी गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 40 में पंचायतों का जिक्र मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 40 क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से बिलोंग करता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ भी आइडियोलॉजी के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर और पॉलिसीज़ के आधार पर बटे हुए हैं, लिबरल हैं, गांधियन हैं और सोशलिस्ट हैं। ऐसे में इसे हम गांधियन मान के चलते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ यह आर्टिकल 40 ये गांधियन आइडियोलॉजी से प्रेरित आर्टिकल माना जाता है। गांधी जी भी ग्राम स्वराज्य की बात करते थे, गांधी जी भी ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात करते थे। उन्हीं के इकोनॉमिक मॉडल को मॉडर्न सेंस में अप्लाई करने का काम हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया, और उन्होंने पूरा मॉडल प्रपोज किया था, प्रोवाइडिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेनिटीज़ टू द रूरल एरियाज, इट इज़ द पूरा मॉडल। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कंसेप्ट गिवन है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायतें कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन नहीं है, पंचायतें हों ऐसी बात कही गई है। तो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही हम पंचायती राज को कहते हैं, क्यों कहते हैं वो भी समझ आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के बाद से जब देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तब से लेकर के 1992 तक देश में अलग अलग राज्यों के द्वारा अपने अपने विधानसभाओं में कानून बना करके पंचायतें स्थापित की गई थी। तो ये राज्यों की सरकारों के द्वारा कानूनें बना करके, राज्यों की विधायिका में कानून बना करके राज्यों में स्थापित होते हैं। इससे पता लगता है कि जो पंचायत है ये 7th शेड्यूल के अंदर जो 3 लिस्ट हैं उन लिस्ट में से स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। तो पंचायतें स्टेट लिस्ट का पार्ट हैं, ना ये यूनियन लिस्ट में है, ना ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये स्टेट लिस्ट में है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कभी भी गलती नहीं करनी है, फंसना नहीं है। ओके, ये किसका हिस्सा है? स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। इसलिए राज्यों के पास अधिकार है पंचायतों को स्थापित करने का, और इसलिए मैंने लिखा कि ये इस्टेब्लिश्ड थी इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय द एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। और ये क्यों ही इस तरह से की गई होंगी? फॉर द पर्पज ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। ओके, तो हमने पंचायतों को एक तरह से रूरल डेवलपमेंट से जोड़ करके देखा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है तो पंचायतें होनी चाहिए। सो पंचायतें सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर ही नहीं इमेजिन हुई हैं, पंचायतों की उत्पत्ति का जो मुख्य आधार रहा है भारत में, उसका मुख्य आधार इस बेस पर रहा कि उसे ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ द डेवलपमेंट, एंड दैट डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। उस क्षेत्र में लोगों की खेती बाड़ी अच्छी हो, वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले, शिक्षा मिले, स्किल डेवलपमेंट हो, और वो क्षेत्र भी पॉवर्टी एलिवेशन के मामले में, माल न्यूट्रिशन के मामले में, मॉर्टेलिटी रेट्स को कम करने के मामले में आगे की ओर बढ़ें। अच्छा सेहत, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोज़गार और देश को एक अच्छा भविष्य किस रूप में? अच्छी पैदावार के रूप में, अच्छे रॉ मटेरियल के रूप में जो कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा, और अच्छी इंडस्ट्री और अच्छा नौजवान। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ग्रामीण स्वराज्य बहुत आवश्यक था, जिसको ध्यान में रखते हुए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का काम शुरू हुआ। इसकी शुरुआत जो है वो चाहे आज़ादी के बाद से हुई, लेकिन बहुत सी चीज़ों की गड़बड़ियाँ थीं, जिन गड़बड़ियों को लेकर के
सिस्टम आए वो सिस्टम हम अभी डिस्कस करेंगे। मेन आस्पेक्ट है कि ये कब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हुई, ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुई। आई बात समझ में? ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कब हुई, ये संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त कर जाती है, यानी कि ये संविधान में दर्ज कब हो जाती है, ये 1992 में संविधान के माध्यम से मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये तभी मिलेगी। मैंने बताया आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने के बाद से ही आपको देश में पंचायतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब हम उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 1957 जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी अपॉइंट की गई। उस कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम बलवंत राय जी मेहता था, बलवंत राय जी मेहता, इसलिए हम इसे बलवंत राय मेहता कमेटी कहते हैं। 1957 जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, याद रखें आगे कई कमेटीज़ आएंगी उन सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करेगी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कमेटी अपॉइंट की गई। कमेटी अपॉइंट करने का कारण दो थे, ये देखना था कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 से चल रहा है और जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं 1953 से, इनकी वर्किंग कैसी है, ये किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, अपना पर्पस डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए थे कि देश में सूखा बहुत आता था, खेती बाड़ी का विकास उस स्तर पर नहीं हो पा रहा था, जल प्रबंधन उतना अच्छा नहीं था, लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार नहीं मिल पा रहे थे, भूमि खेती योग्य कम थी, भूमि को खेती योग्य बनाना था, खेती योग्य भूमि बन सके, अच्छी सिंचाई हो सके, ज़मीन को लेवल किया जाए, नहरों के मार्ग बनाए जाएं, ग्रामीण स्तर पर संस्थाएं क्रिएट की जाएं जो कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके उसकी देखरेख कर सकें, ग्रामीण क्षेत्र पर सभी लोगों में जो नए रिसोर्सेज डेवलप हों वो डिस्ट्रीब्यूट वेल मैनर में हों, एक इगैलिटेरियन सिस्टम हो, रोज़गार भी मिले और साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम चलाए गए थे। नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज का भी यही पर्पज़ था, सरकारों के केंद्र सरकार के द्वारा जो भी जनकल्याणकारी योजनाएं थीं उन जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उसके लिए ही नेशनल एक्सटेंशन सर्विस चलाई गई थी। सरकार की मदद से, केंद्र की मदद से सहायता राज्यों की और राज्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचती थी। ये किस तरह से काम कर रहे थे दोनों प्रोग्राम, इनकी स्टडी करने के लिए 1957 जनवरी में कमेटी अपॉइंट हुई जो कि बलवंत राय जी मेहता उसे चेयर कर रहे थे। उस कमेटी के द्वारा जब इन प्रोग्राम्स को स्टडी किया गया तो कमेटी ने सुझाया और कमेटी का सुझाव ये था कि हमें एक स्कीम एस्टेब्लिश करनी चाहिए, जिस स्कीम का नाम उन्होंने दिया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। याद रहे कि बलवंत राय जी मेहता जो हैं उन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की और यही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बाद में जाके पंचायती राज समझा गया। पंचायतें हमारे देश में बहुत पुरानी हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, पंचायतें कोई आज़ादी के बाद नहीं हुई हैं, पंचायतें हज़ारों वर्ष पुरानी हैं, भारत के सर पर पंचायतें बहुत पुरानी हैं। सल्तनत काल आया, मुग़ल आए, उनके द्वारा भारत में, बाद में ब्रिटिशर्स भी आए, उनके द्वारा भारत में जिस ग्रामीण तंत्र का इस्तेमाल किया गया वो पंचायती तंत्र ही हुआ करता था। पंचायतें इतनी मजबूत हुआ करती थी कि अंग्रेज़ों के स्तर पर भारत में जो सिविल जस्टिस सिस्टम था वो लोकल लेवल पर जो जस्टिस सिस्टम प्रिवेल करता था अंग्रेज़ों ने उसी जस्टिस सिस्टम को अडॉप्ट किया, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर एक अच्छे खासी न्याय व्यवस्था बनी हुई थी लोगों के बीच में। ये इतनी पुरानी कहानी है, मैंने आपको बताया अभी कि लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर माने गए हैं 1882 के दौरान। मैंने आपको ये भी बताया कि मद्रास में ही पहला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया था शहरी स्तर पर। उस समय में अंग्रेज़ों के द्वारा अर्बन एरियाज़ को फोकस किया गया, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, वहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ की एस्टेब्लिशमेंट की गई और लॉर्ड रिपन इस क्षेत्र में अग्रणी माने गए हैं। 1882 से ये कार्रवाई आगे बढ़ी और आपने देखा कि शहरी स्तर पर आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ मिले, और बाद में मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि सुभाष चंद्र बोस और बाकी बड़ी बड़ी हस्तियाँ इन अर्बन लोकल बॉडीज़ में अच्छे अच्छे पदों पर काम करते भी रहे थे। मुद्दा ये है कि ग्रामीण स्तर पर जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी ये ब्रिटिश समय में सपोर्ट नहीं की गई, इनफैक्ट सप्रेस हुई,
लेकिन ये भारत के जो पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल डीएनए है उसमें पंचायती सिस्टम बहुत पुराना है, ये डीपली रूटेड सिस्टम है। तो एक तरह से इसको रिवाइटलाइज करना था, एक तरह से इसे रिजुविनेट करना था। ऐसा नहीं था कि भारत इस चीज़ से अज्ञात था, जानकार नहीं था, इस तंत्र को जानता ही नहीं था। सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं था, सिस्टम रूल बेस्ड मैनर में प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। और पहले सिस्टम जाति समीकरण से प्रभावित रहता था, पहले जब ग्रामीण स्तर पर देखते थे खेती बाड़ी संपन्न समाज और खेती में काम करने वाले मजदूर समाज से प्रभावित रहता था, ऊंच नीच का, अगड़े पिछड़े का, गरीब अमीर का, स्वर्ण और दलितों का भेद वाला सिस्टम था, लेकिन पंचायत सिस्टम था, लेकिन वो दूसरी चीज़ों से प्रेरित था। अब देश में लोकतंत्र था, अब देश में गणतंत्र था और संवैधानिक तरीके से देश की सरकारें चलती थी, जैसे कि केंद्र की और राज्यों की। इस तंत्र में अब हमें काम कराना था पंचायतों को, जिसका कि काम करने का नज़रिया बिल्कुल भिन्न होना चाहिए पहले काम करने के नज़रिए से। तो उस संदर्भ में ही ये चीज़ हो रही है। तो 1952 की कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और 1953 के नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की समीक्षा करते हुए बलवंत राय जी मेहता के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना चाहिए कामकाज का, शक्तियों का, जिसे हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, कि केंद्र के द्वारा राज्यों को कुछ काम और दिए जाएँ और राज्य उन कामों को अपने से भी नीचे किसी एक इकाई को बांट दे, जिसमें उस यूनिट के पास ये स्वतंत्रता हो कि वो ये निर्धारित करे कि उसे किस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम डिवाइस करने हैं, वो किस क्षेत्र में विकास का कार्यक्रम चाहता है, वो जंगलों को बढ़ाना चाहता है, वो और वृक्षारोपण करना चाहता है, वो खेती बाड़ी के लिए ज़मीनों को साफ करना चाहता है, वो किस तरह की नहरें चाहता है, वो माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट चाहता है या बड़े मेजर इरीगेशन डैम चाहता है, वो किस तरह से एग्रीकल्चर का विकास चाहता है, वो मिक्स्ड फार्मिंग चाहता है, वो पशुओं के साथ साथ खेती करना चाहता है, वो फर्टिलाइज़र्स केमिकल के यूज़ करना चाहता है या ऑर्गेनिक वे में आगे बढ़ना चाहता है। यानी कि आप ग्रामीण स्तर पर लोगों को इतनी स्वतंत्रता प्रदान करें कि वे निर्धारित कर सकें कि विकास के कार्यक्रम कैसे हों, वो उस विकास को किस मार्ग से प्राप्त करेंगे, डेवलपमेंट का वर्क किस डायरेक्शन में हो, डेवलपमेंट वर्क को अचीव करने के तरीके प्रोसेसेस कौन से अपनाए जाएं, पॉलिसीज किस तरह से बनाए जाएं, और खर्चा जो ग्रामीण क्षेत्र में खर्चा होगा सरकारों के द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये निर्धारित करने दें कि वो किस किस क्षेत्र में खर्चा कराना चाहते हैं, वो स्वास्थ्य को, शिक्षा को, रोज़गार को, किन किन चीज़ों को किस तरह से महत्व देना चाहते हैं। इतनी की आज़ादी हमें उन्हें देनी होगी, यानी कि नियम बनाने की, नीतियाँ बनाने की, योजनाएं बनाने की ये शक्तियाँ हमें अपने दायरे से बाहर करके किसी और वर्ग को भी देनी पड़ेगी। तो शक्तियों का केंद्रीकरण ना करके इसका विकेंद्रीकरण किया जाए, इसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, और यही है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से शक्तियों का विकेंद्रीकरण करिए ताकि एक और नया वर्ग उभर करके आए जो लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र हो और जिसमें शक्तियों का उपयोग करके स्वयं के विकास का मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता हो, यानी कि वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए केपेबल हों, वो इस तरह के पाथवेज, इस तरह के सिस्टम्स डिवाइस कर पाएँ। हमें उन्हें इतनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पावर, फंक्शंस और फंड्स प्रोवाइड करने होंगे और वो सिस्टम भी खुद अपने आप में डेमोक्रेटिक हो। ओके, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम ही पंचायती राज बनकर के उभर कर के आया। बलवंत राय जी मेहता एज अ चेयरमैन क्या क्या रिकमेंडेशन देते हैं, उसे बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन मान लिया गया। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन में पहली बार अगर आपसे को पूछे कि जो आज हमारे देश में तीन स्तरीय 3-tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये 3-tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहाँ से प्रपोज हुआ है, तो ये 3-tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रपोज करने का काम बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1957 में ही कर दिया था। 1957 जनवरी में इन्हें गठित किया गया, और याद रहे सेम ईयर 1957 नवंबर में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी, और उसी रिपोर्ट में इन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की और रिकमेंडेशंस दी। उन रिकमेंडेशंस में पहली रिकमेंडेशन ये 3-tier 3-स्तरीय पंचायती राज सिस्टम की बात करते थे, जिनमें कहते थे कि सबसे निचले स्तर पर अगर हम देखें तो गांव होंगे, विलेजेस, और विलेजेस के लेवल पर हम देखें तो उनका कहना था कि पंचायतें होनी चाहिए, विलेजेस के लेवल पर पंचायतें होनी चाहिए, ग्राम पंचायतें, तो ग्राम पंचायत हो एट द विलेज लेवल। एक
अब इसके लिए विलेजेस का कैसे रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन अलग बात है, गांव के स्तर पे पंचायत हो तो एक गांव दूसरा एक और गांव इस तरह से गांव हो गए या पंचायतें हो गई। इन पंचायतों के ऊपर एक नेक्स्ट लेवल की बॉडी होगी, वो पंचायत समिति होगी, वो ब्लॉक लेवल के होगी। तो नीचे गांव होते हैं, कई सारे गांव मिला के एक ब्लॉक बनता है। तो गांव के स्तर पे पंचायतें हों, ग्राम पंचायतें यानी कि विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, और उन पंचायतों को जोड़ करके उनके ऊपर जो एक बॉडी होगी ब्लॉक लेवल पर, उस ब्लॉक में जितने भी गांव आते होंगे उसकी उतनी ग्राम पंचायतें इस ब्लॉक के अंदर आती होंगी, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत की समिति हो, पंचायत समिति। और इसी तरह से 1, 2, 3, 4 और कई ब्लॉक्स जोड़ करके एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, जिले के लेवल पर जिले परिषद हो। तो ग्रामीण विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत हो, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति हो, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद हो। तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, इस तरह से 3 स्तरीय पंचायत हमें देनी होगी। ओके, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात इन्होंने की, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अब इसमें आपको ये बात कभी भूलनी नहीं है कि इन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन के कंसेप्ट को सपोर्ट किया। उनका कहना था कि हमें इन 3 स्तर की पंचायत की इन बॉडीज़ को आपस में इंटीग्रेट करना है, ये ऑर्गेनिकली लिंक्ड हो आपस में, उसके लिए हमें इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन इंड्यूस करना ही पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इनकी अगली लाइन आपको समझनी होगी। वो ये कहते थे कि जो विलेज पंचायत है यानी कि जो ग्राम पंचायत है उसके चुनाव सीधे हों, डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों, यानी कि ग्राम पंचायत 1, 2, 3, 4 इन सब में डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आके बैठें, रिप्रेजेंटेटिव हों लोगों के सीधे सीधे, जैसे कि लोकसभा में आपके सीधे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, विधानसभाओं में आपके सीधे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसी तरह से ग्राम पंचायत में भी आपके सीधे चुने हुए नुमाइंदे हों। तो रिप्रेजेंटेटिव सीधे जनता के द्वारा चुने हों, डायरेक्ट इलेक्शन हों। लेकिन अगले दोनों स्तर पर पंचायत समिति और जिला परिषद के जो मेंबरान हैं, जो वहाँ पर आगे बैठने वाले सदस्य हैं, उनका चुनाव सीधे जनता ना करे, उनका चुनाव विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत के जो पहले से चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो नुमाइंदे मिल करके पंचायत समिति और जिला परिषद के लेवल के मेंबरों का चुनाव करें। आई बात समझ में? यानी कि पहले आप जनता वोट डाल दें, और वोट डाल करके किन्हें चुन दें, ग्राम पंचायत के सदस्यों को, फिर वो ग्राम पंचायत के सदस्य आगे चुने किन्हें, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों को। ऐसा ही होता है, आप लोग वोट डाल देते हैं अपने राज्य के विधानसभा के MLA के लिए, और फिर उसी विधानसभा के MLAs मिल करके आपके राज्य से चुन करके जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट डालते हैं। आप लोग कभी भी राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट नहीं डालते हैं, आपके राज्य के विधानसभा के MLA ही आपके राज्य से चुन करके जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट करते हैं। सो यू इलेक्ट MLAs, देन MLAs इलेक्ट MPs ऑफ द राज्यसभा। ठीक इसी तरह से इसे जोड़ा, क्यों इसी तरह से, तो फिर उस राज्य के हितों के साथ राज्यसभा जुड़ जाएगी ना। राज्यसभा, अगर राज्यसभा के सदस्यों को भी अगर उस राज्य के लोग सीधे चुनने लगे, तो वो राज्यसभा भी सीधे चुनी गई है राज्य के लोगों के द्वारा, और यहाँ पर ये विधानसभा भी सीधे चुनी गई है उसी राज्य के लोगों के द्वारा। तो एक लेवल पर विधानसभा उस राज्य के लोगों का राज्य के स्तर पर इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है, एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर राज्यसभा उस राज्य का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है इस वाया में कि जिसमें उन लोगों ने अपना विश्वास स्थापित किया, यानी कि विधानसभा के सदस्यों में, उन विधानसभा के सदस्यों ने इन मेंबरान में अपना कॉन्फिडेंस शो किया है और राज्यसभा भेजा। लेकिन अगर दोनों सदस्य सीधे चुने जाने लगे होते उस राज्य की जनता के द्वारा, तो सोच करके देखिए, राज्यसभा उस राज्य की विधानसभा से कन्फ्रंट भी हो सकती थी, कन्फ्रंटेशन की परिस्थितियाँ भी बन सकती थी, क्योंकि दोनों को चुनने का सिस्टम जनता के द्वारा हो जाता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने राज्य की विधानसभा के सदस्य चुने, वो आगे जाकर के राज्यसभा के सदस्यों को चुने, इस तरह से राज्यसभा राज्य के साथ टाई हो जाती है, ना कि लोगों के साथ। लोगों से साथ पहले ही टाई हो चुके हैं उस राज्य के विधानसभा के MLA, और हमें राज्यसभा के सदस्यों को राज्य से जोड़ना है, ना कि राज्यों के लोगों के साथ, क्योंकि राज्य के लोग ऑलरेडी लोकसभा से जुड़ चुके हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑर्गेनिक लिंक बैठाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर बलवंत राय मेहता कमेटी ने भी ये कहा कि इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन रखेंगे, ये ऑर्गेनिकली तीनों स्तर के पंचायती इंस्टीट्यूशंस को लिंक कर देंगे। तो पहले आप पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्यों को डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुनें, वो नुमाइंदे आगे पंचायत समिति, जिला परिषद को चुनेंगे,
तो जनता कंट्रोल ग्राम पंचायत के माध्यम से जिला परिषद तक, तीनों तक आगे बढ़ जाता है, और इसी तरह से जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत आपस में कनेक्टेड भी रहेंगे ऑलवेज। आई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? तो वो यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेशन में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होने थे या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होने थे, और डायरेक्ट इलेक्शन किसके होने थे? ग्राम पंचायत के। तो ग्राम पंचायत के चुनाव डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने थे, लेकिन इसके बाद वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होने थे। ओके, आगे ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एट द रूरल लेवल इसी तरह इन्हीं पंचायती इंस्टीट्यूशंस के जिम्मे छोड़ दी जाए। मैंने अभी बताया जितनी प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो इनके द्वारा इनको करने दी जाएँ, ताकि ये सार्थक ढंग से ये तय कर पाएँ कि असल में यहाँ के क्षेत्र की जलवायु को देखते हुए, ज़मीन को देखते हुए, उसकी उपजाऊ क्षमता को देखते हुए, यहाँ के जलाशयों को, पानी की उपलब्धता को देखते हुए, यहाँ के लोगों का शिक्षा का स्तर देखते हुए, स्किल्स को देखते हुए, यहाँ पर मिलने वाले खनिजों को देखते हुए, यहाँ के ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी को देखते हुए, यहाँ पर औरत मर्द का जो अनुपात है, कितनी औरतें हैं कितने मर्द हैं, किस तरह की यहाँ की सामाजिक सोच है, ताना बाना है, इन सभी को वहाँ के क्षेत्रवासी ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और उन्हीं के द्वारा मिल करके जब संस्थाएं बना करके फिर नियम बनाए जाएंगे तो वो अपने लिए क्या विकास चाहते हैं वो ये बेहतर समझ पाएंगे। इसके लिए प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटी उनके जिम्मे छोड़ी जाए, लेकिन ये किसी एक ग्रुप के जिम्मे या किसी एक राजघराने के जिम्मे या किसी एक चौधरी खुद मुकदम के जिम्मे या किसी एक पंच सरपंच के जिम्मे ना छोड़ी जाए। विकेंद्रीकरण आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन विकेंद्रीकरण अपने आप में लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो ये सभी शक्तियाँ प्लानिंग और डेवलपमेंट की अगर किसी के जिम्मे छोड़नी है तो इंस्टीट्यूशन खुद डेमोक्रेटिक हो, उसे ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहा है, और वो तीन स्तर पे होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लेवल पर। ओके, इसलिए इसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया है। अगला है पंचायत समिति। हाँ, अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपके देश के स्तर पर आप देखिए, आपके सामने संसद है, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं। लोकसभा में जिस किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वो पार्टी आगे एग्जीक्यूटिव फॉर्म करती है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सरकार बनाने का काम करती है, उसे अपन एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। तो हमारी कंट्री में एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, जुडिशरी अलग है। इसी तरह से पंचायती स्तर पर भी कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों में से एग्जीक्यूटिव का दर्जा किसे प्राप्त होगा, कौन कामकाजी जिम्मेदारी लेगा, यानी कि इफेक्टिव ऑर्गन कौन होगा जो जमीनी स्तर पर काम करेगा, इन तीनों इंस्टीट्यूशन में से सरकार जैसी इंस्टीट्यूशन कौन होगी, एग्जीक्यूटिव्स कौन होंगे जिनके जिम्मे काम होगा, जिनसे जिला परिषद और ग्राम पंचायत सवाल करेगी कि भाई आपने काम कर दिया कि नहीं कर दिया है, वो पंचायत समिति होगी। तो याद रखें, बलवंत राय का मेहता कमेटी ने ब्लॉक को एज अ यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चुनते हुए ब्लॉक लेवल पर आने वाली पंचायत समितियों को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पंचायत समितियों को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएं, ये प्रॉपर मायने में प्लानिंग कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्योंकि इनके इमीडिएट नीचे ग्राम आ जाते हैं पहली बात, और दूसरी बात इनके इमीडिएट ऊपर जिला परिषदें आ जाएंगी, तो जिला परिषदें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, वो बेटर वे में इन्हें एडवाइस कर पाएंगी, कोऑर्डिनेट कर पाएंगी, सुपरवाइज कर पाएंगी। तो जिला परिषद का काम एडवाइजरी बॉडी के तौर पर बनाइए, उसे पंचायत समितियों के ऊपर सुपरवाइजरी बना दीजिए, उसे पंचायत समितियों को कोऑर्डिनेट करने का काम दे दीजिए, पंचायत समितियों को केंद्र और राज्य की नीतियाँ कम्युनिकेट करने का काम, मतलब जिला परिषद को आप केंद्र और राज्य की नीतियाँ कम्युनिकेट करने का काम दे दीजिए टू द पंचायत समिति। तो ये एडवाइस करें, सुपरवाइज करें, कोऑर्डिनेट करें, लेकिन सही में जो कार्यकारिणी हो, जो कामकाज करने का जिम्मा जिसको हो, वो पंचायत समितियों को हो, ग्राम पंचायतों को ना दिया जाए, क्योंकि अभी उस स्तर पर ग्राम लेवल पर अगर पंचायतों का एग्जीक्यूटिव बना दिया जाए, हो सकता है कि एक गांव के मुकाबले दूसरा गांव ज़्यादा संपन्न हो सकता है धन के मामले में ज़्यादा संपन्न हो, ज़्यादा मजबूत हो, उसकी संख्या बल ज़्यादा बड़ी हो, साइज़ में बड़ा हो, रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकता है उसके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन अच्छे नीतिकार ना हो, दूसरे गांव के पास रिसोर्सेज कम हैं लेकिन नीतिकार अच्छे हैं, ऐसे में दोनों ही विकास नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण स्तर पर अभी ऐसा माना जाता था कि अशिक्षा काफ़ी है, पिछड़ापन काफ़ी है, ग्रामीण स्तर पर अभी ऐसा माना जाता था कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, नस्ल के आधार पर अभी भेद भी काफ़ी हैं। ग्रामीण स्तर पर नीतियां बना करके फिर उसको लागू करवा पाना अभी इतना आसान नहीं होगा एक गांव के